रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुन, मेरे जूते तेरे कमरे में, मेरे कमरे में मिल नहीं रहे। खोल दरवाजा, खोल। सूफी, क्या है? अरे मेरे जूते तेरे कमरे में। अरे तेरे जूते मेरे कमरे में। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे घर में कोई है ना? कोई है मतलब? भाभी है। भाभी? भाभी मेरे को देखने भाभी मेरे को भाभी जान, अम्मी, गुड मॉर्निंग। अरे ये सुबह सुबह हो क्या रहा है? तो अम्मी, बेसिकली बात ये है कि एक्चुअली अभी अम्मी अम्मी लिसन लिसन, इस घर में एक नहीं दो दो शादियां होने वाली है। एक तरफ आप मेरा रिश्ता पक्का करके आई, राइट? और दूसरी तरफ हमारा एंग्री यंग मैन सुफियान, उसके कमरे में लड़की अम्मी, और खबर ये है कि उसे इश्क हो गया। सुफियान और ऑल द पीपल, और यहाँ मैं अपने मंगेतर से मिल नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। She's gonna be so sad and worried. इमी, I'm sure कायनात बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है और वो अभी भी सबका ख्याल रख रही होगी इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तुम दोनों के चेहरे पे सेम एक्सप्रेशन, एंड यू नो व्हाट, पेस्की इज लुकिंग मोर क्यूटर देन यू। आई नो, मैं पेस्की तो हो जाएगी दुनिया को खुश करने के लिए, तुम्हारी अम्मी को खुश करने के लिए। अच्छी कोई बैकडोर है यहाँ से बाहर जाने का? बैकडोर क्यों? फ्रंट डोर है, कम है। नो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कायनात, कम। हेलो, हाउ इज ब्रेकफास्ट गोइंग? मॉर्निंग, प्लीज सिट, प्लीज प्लीज जॉइन अस। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय हाय हाय। बोलो बोलो बोलो, टेल एवरीवन। टेल व्हाट? क्या मैं बताता हूँ, कायनात सानी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ आई है। दैट्स ग्रेट, बट कायनात इतनी सुबह? वो एक्चुअली सर, अम्मी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू सेव टाइम एंड यू नो एफिशिएंसी इज देयर। सो ब्रिलियंट स्टोरी है, और यूनाइटेड इंडिया को ऐसी स्टोरीज की खोज रहती है। Is it? कायनात, स्टोरी क्या है? हमें भी बताओ। Actually, can I have a glass of water? Sure. Dry throat. One second, sir. Okay, I'll tell you. दो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज are having a secret affair. And we are going to break the story. Right, कायनात? और हम लोग इस स्टोरी को ऐसे स्लीज़ी तरीके से नहीं लिखेंगे। We're gonna write it very nicely, because they're a love story, and they love each other. ये celebrities हैं कौन? हमें ये खबर तो नहीं सुनने को मिली। चाचू, यही तो बात है, जो सच्चा प्यार होता है ना, पहले सबको बताया नहीं जाता, और सही समय में सबको बता दिया जाता। Great job, कायनात। ये खबर तो हम अपने आपने न्यूज़पेपर पर भी कैरी करेंगे। Kainat, morning. Good to see you here. Hi. How are you? Mom, how are you? I mean, I was really worried about your mom. She's fine. You're a sweet guy. That's great. Okay, anyway, I have to leave. अरे, पूरी रात तो काम किया है ना तुमने इस स्टोरी पर, और सुबह सुबह भी काम कर रही हो,
थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, रिलैक्स जस्ट अ लिटिल बिट. नो आंटी, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ. हाँ, okay. मैं चलती. जी, टेक केयर मॉम. मैं मिस सानी को बाहर पे छोड़ के आता हूँ. मैं छोड़ के. हाँ, श्योर. दिस वाज रियली अनकॉल्ड फॉर. क्या जरूरत थी डाइनिंग टेबल पे ड्रामे करने की? मुझे मिनी हार्ट अटैक आ गया था, पता है? आया क्या ड्रामा भी? हाँ, तो तुम चाहते हो कि आ जाए? नहीं. अच्छा, लिसन, फैमिली को तो नहीं, एटलीस्ट इम्तियाज को बताते थे ना? सुन, वही सुन. और मेरा इंट्रोडक्शन तुम्हारी फैमिली और इम्तियाज को ऐसे मत देना कि जो लड़की तुम्हारे बेडरूम से. तुमने जो अभी अभी किया है ना, उसके लिए यू डिजर्व स्लैप. नहीं दूंगी. श्योर? मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रही. क्या हुआ? ज्यादा जोर किस करोगी? Hey, what's up, Kainat? Hey, what's up? Do you need anything? वो तुमने सुबह एक story के बारे में discuss किया था घर पे. Did you get any leads on them? Yeah, actually, वो story. Actually, उसके sources confirmed नहीं है और जहाँ तक मुझे पता है उस affair के बारे में nobody wants to talk about it. I think we should just drop that story. Okay. मैं detail check करके बताती हूँ. मैं बस सोच रहा था Kainat that maybe you and I should just meet and discuss and talk. क्या? मैं जानता हूँ थोड़ा सा old fashion है पर. मतलब? मतलब हमारे parents ने भी बात कर ली है लेकिन you know we haven't spoken about it. तो let's meet and discuss. Yeah, I totally agree. कहना तो मैं सोच रहा था बेसिकली कि क्या हम आज शाम होटल ओरिएंटल ग्रैंडियर पे मिल सकते हैं. आई मीन 9 o'clock न्यूज एनीवे जरूर ही संभालेगी. सो ओके इम्तियाज. कूल, सी यू. अच्छा लिसन, डिड यू स्पीक टू इम्तियाज? नो, बात कर लूंगा. बट यू नो व्हाट, Imi is in love. Imtiaz is in love? Are you serious? Damn serious. Don't you worry. I will find out the name. Kyun? I mean, kaise? Are yaar, top journalist ho Shimla ki. Itna to kar hi sakti hu. Aur waise bhi Imtiaz ki love story ki gaadi proposal pe atak gayi hai. Why? He's a good looking man. Sorted hai. Aur waise bhi, baat karta to aise lagta hai, ghazal ga raha hai. Acha? अगर मैं उससे पहले मिली होती ना, I would have married him. I mean, he's better off and ज़्यादा stable है. You know what? Actually, I second you in that because अगर इम्मी की जगह तुम किसी और लड़की की तारीफ कर रही होती ना, तो मैं मर जाता. तुझे देखता हूं, तो इसका मतलब मैं इम्तियाज से खुल्लम खुला फ्लर्ट कर सकती हूँ क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, है ना? I have work to finish और मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलना है. Work out. Okay. चलो मैं निकलती हूँ. Go ahead. Yes. तो इम्तियाज को सिर्फ हमारे लव लाइफ के बारे में नहीं जानना. He wants to tell me about his also. No wonder. वो मुझे अकेले मिलना चाहता है. Wow, Kainat. आज तो ये fun gossip session होने वाला है. Tonight will be fun. I have a big announcement to make. Huge. Achha? आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है. बहुत बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज आसान इम्तियाज अलकाजी का निकाह तय हो चुका है. आप सब पूछेंगे नहीं लड़की कौन है? हाँ, कौन भाई है? बताओ. देना, no more suspense, please just spit it out. Kainat Sahani. Kainat,
वो जो हमारे ऑफिस में काम करती है, जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास आई थी। जी जी, कायनात और उसकी पूरी फैमिली इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश है। We are so happy. अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो भाई। चाची, are you sure? There's no confusion over you. Of course I'm sure, darling. इम्तियाज सिंह, तुम्हें बताया नहीं? Well, I guess office romances are best kept secret, ना? Cheers. Dina, this is very good news. Just give me a second, Johnny, guys. Yeah, sure. Yeah. आ रहा है। What's up? मुबारक हो एमी भाई। शादी पक्की हो गई आपकी? चाची just told. क्या? कायनात के साथ? हाँ, I mean मुझे पता है, but well thanks bro, I mean. No, मैं कायनात से खुद बात करना चाहता था, अपनी दिल की बात उसे बताना चाहता था, but you know I just didn't know how to go about the entire thing. I was so confused कि मैं उसे कैसे बात करूँ, कहाँ मिलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अच्छा भाई, आप कायनात को लेकर कहाँ जा रहे हो प्रपोज करने के लिए? I've invited कायनात to Hotel Oriental Grandeur. अच्छा, Hotel Oriental Grandeur? वहाँ मेरा दोस्त मैनेजर है, वो सब सेट कर देगा। He'll give you the best space. Really? Really? Thanks, man. Thanks a lot. थोड़ा सा just nerves, you know. So cool. Thanks. Bye. बीबी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बीबी, वो लड़की कायनात, वो बहुत चालू है, वो आपको सिर्फ यूज़ कर रही है। इमली को हमारे बिना पता नहीं। I'm sure Dana चाहिए। बीबी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लड़की बहुत चालू है, कायनात है ही ऐसी। चुप रहे। एक शब्द और बोला ना, शौहर ले लूँगा। She is my love, all right. बीबी, आप मार लो मुझे यार, आपको जितना मुझे मारना है आप मारो, लेकिन I know you're upset, बीबी, मुझे पता है कि आपका दिल अंदर से टूट चुका है, बट बीबी वो अभी भी वो एमी भाई के साथ एक कमरे। चुप कर रहे। तुम उसके बारे में एक शब्द बोलो ना, फिर हम मुंह तोड़ दूँ। बीबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा बीबी, मेरा दोस्त वहाँ मैनेजर है होटल ओरिएंटल ग्रैंडियर में। बीबी, आप वहाँ जाओ, उसने एमी भाई ने वहाँ पे स्वीट बुक किया है कायनात के लिए, वो वहाँ पे ऑलरेडी होगी, वो अभी भी होटल में एमी भाई के साथ उस कमरे में। बीबी, आप जाके देख लो बीबी, वो सीधा रूम में लेके जाएगा आपको। आई एम नॉट लाइक बीबी। Croissants are here, cakes are here, plates are here, sandwiches are here. Everything is set, everything looks good. You look. Oh, damn it. Hi, good evening, come in. Are you serious? Presidential suite book karne ki kya zarurat thi? We could have spoken in the coffee shop also, right? Haan, lekin jo baat hum karna chahte the, uske liye agar hume privacy milti to better hota. And I got everything planned, so. Haan. जो प्राइवेट बातें हमें करनी है उसके लिए आई एग्री, बट अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना और उसने मुझे एकदम से रूम में बताता, आई कुड हैव इजी कायनात, इजी पनिश्ड हिम ऑन हिज पे। ओके बट जस्ट बिकॉज़ इट इज यू, तुम्हारा बैड, थैंक यू, तो तुम्हें तो इतना हक है। थैंक यू। तो मैं कहां से शुरू करूं? थोड़ा सा क्लीशे है, बट इट ऑल हैपेंड व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई वाज इन लव। ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी। ओके, यू स्टार्ट। सो वेल, आई थिंक इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, और जब मैं उसे उस रात पहली बार मिला, मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है, एक वाइब है, यू नो, कुछ अलग है, लेकिन मैंने उसे अभी तक बताया नहीं। तो उसे बताने के लिए मैंने ये कमरा बुक किया है। So please get to the point. I really want to know. Oh, so I can finally say it. Yeah. क्योंकि तुम मेरे सामने खड़ी हो। हाँ, इम्तियाज, मैं खड़ी हूँ। I love you. What? स्टूपिड हूँ, मैंने अम्मी को बताया, मैंने सूफी को नहीं बताया, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने की। आई वाज सो स्कैर्ड टू इवन लाइक कन्फ्रंट यू। हम इतने बार मिले हैं, तुम, मैं, सूफी, कायनात, व्हाई डिड यू ब्रिंग दैट?
मेरे दो पसंदीदा इंसान इम्तियाज और कायनात मेरी नजरों के सामने बेनजीर और आदिल बने हुए थे। अजीब हालत हो गई थी मेरी, मैं समझ नहीं पाया कि जो कुछ मैंने देखा वो एक हकीकत थी या एक फसाना था। हमारे पेरेंट्स मिल चुके हैं, हमारा निकाह होने वाला है और मैंने तुम्हें अभी तक फॉर्मली प्रपोज नहीं किया। कायनात जस्ट 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 योर मी जस्ट जस्ट प्लीज योर मी आउट, आई फील लाइक अ लूजर। जस्ट विल यू मैरी मी? यू तुझे पता नहीं वाला। You whore? What? तुम इतने दिनों से यही पता कर रही थी किसके पास ज़्यादा पैसा है, फिर तुम डिसाइड करोगी तुम्हें शादी किससे करनी है। तुम क्या कह रहे हो? Hang on, Sophie, तो क्या बात है? You stay out of this. तुम्हारी फैमिली मेरे फ्रेंड का एक मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है एंड मीनवाइल यू आर with me. What the f*** are you talking about? What the f*** I'm talking? There was nothing between us. Really? एक मिनट, यहाँ कोई confusion है सूफी? There's no confusion, bro. This bitch has been playing us. Stop using that word, Sufyan. मेरे और कायनात के बीच एक healthy relationship है and I will not hear a word against her. अच्छा? तू मेरा दोस्त है और इसके बारे में तू कुछ सुन नहीं सकता? You know what she is? She's a bastard. Just shut up. तुम्हें जो भी सवाल का जवाब चाहिए ना मैं दूंगी. But ask me with respect. You have no right to disrespect me. You know what? Who's that? Yes, that secretary. जो मेरे डैड के साथ सोई थी and became his second wife. You know what? मुझे actually ऐसा लगता है कि बचपन में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना अच्छा हुआ, क्योंकि I can recognize species like you. And मुझे लगा कि I'm in love, but I was not in love. You are. Sophie! मजा आ गया? UWHORE. You know what? You don't deserve any explanation. Because you are a filthy man! That's what you are. Jagdeer मैं रियलाइज नहीं कर पाया मैं कायनात की बेइज्जती कर रहा था या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। शायद यही मेरी बेबाकी थी। हाँ।
सांस की मैं मेरी तू ही तू बसी, जिस दिन तुझे न गा सकूं वो दिन जीना ही नहीं, हाथी दूरियां फिर तू भी। तुम दोनों किसी को चाहते हो राइट? मुझे इम्तियाज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी सांसें कम बची, आंसू ये मेरे बरसने लगे हैं, आंसू ये मेरे अब बरसने लगे हैं, क्यों हाथों में तेरे मैं लिखा क्यों नहीं, साथ हूँ तेरे पर तू साथ नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां। वेट्स खड़ूस सडन प्यारे रोमांटिक सुप्यान उत्तम तेरे कुछ भी तोड़ लेने की मैं दिल मत हूँ। यू फोर तुम इतने देर से यही पता करेगी किसके पास ज्यादा पैसा है, फिर तुम डिसाइड करोगी तुम्हें शादी किससे करनी है। तू आई निकली वो who's that? Yes, that's secretary. जो मेरा डार्ट के साथ सोई थी एंड बिकेम हिज सेकंड वाइफ। ये उस रात के लिए माहिया जो तेरी और खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं जाऊं भी सही, से सकती है सांसे मेरी जान जाती है। बेटा यहाँ ऐसे सुबह सुबह क्यों खड़े हो? थोड़ा सा थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। रात भर सोए नहीं क्या? Is everything all right, बेटा? Yeah, everything's fine. सब ठीक है। Wow, इस टैकी एम्प्लॉय ने हमारा काम काफी आसान कर दिया है ना एंडी? खुदाई, उसे अच्छी इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए, ओके? अभी तो इस रिपोर्टर ने स्टोरी शुरू की है, हेडलाइंस बनना बाकी है। ना गंदा पड़ा है, कुछ तो करके जाए, कुछ नो वो एंटी। मेरा बो खैर करी, मेरा बो खैर करी। मेरी बच्ची उठ गई तो मैं कब से सोच रही हूँ कि तू कब उठेगी तुझसे बात करनी है। अभी तक कल रात के कपड़े मेरे हैं। क्या शादी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल रही है? आजा, तुझे मैं एक चीज दिखाऊं। बैठ इधर। याद है 6 साल की थी तू, हमारी शादी की फोटोज देख के कैसी जिद पकड़ी थी, ये साड़ी पहननी पहननी है। ले, तेरी जिद पूरी कर रही हूँ, ले ले ये। Oh God, मेरी शादी की खबर से जो खुशी अम्मी को मिली है, it is actually acting like a medicine for me. लग ही नहीं रहा कि अम्मी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में थी। चाय पीगी? अदरक वाली मैं बनाती हूँ। चाय का पानी चढ़ाना। बस तेरी सायां किसे तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि बेटी की शादी केमोथेरेपी से ज्यादा इफेक्टिव होगी। जस्ट इमेजिन, लुक एट हर यार। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तेरे संग लगे यार जी, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। लव ना जुदाइयां वाला रब खैर करी, मिलाव ना जुदाइयां वाला रब्बा। Please, please, मुझे जूस नहीं पीना। अबू, अबू, लिसन। नहीं, नॉट दैट। अबू, अबू, अबू। ओहो, दूल्हे मियां।
क्या बात है भाई फारू, देख रहे हो कितनी देर से आए हैं ये दोनों ब्रेकफास्ट करने? कल रात शायद इमी की सगाई का जश्न मना रहे थे। Wild night, boys? I mean, but yeah, he was planning a wild night, but मैं बीच में आ गया। अम्मी अबू, मुझे आप दोनों से बात करनी है। देखो, मेरी बात सुनो। जब से तुम आए हो, तुम सिर्फ काम ही कर रहे हो। तुम्हारी शादी है, I need you to concentrate a little bit on your wedding. Choose some outfits now. बस। एक बार मेरी बात समझ कि मैं कुछ मत बोल। तू तो गया। अब देना तेरा खून चूसने वाली है तेरी शादी तक। उसके बाद कायनात आने वाली है, वो वैसे ही तुझे कुछ नहीं बोलने देगी। तू तो गया बेटा। Enough now, Faru. बहुत हो गया। इमी, 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 ये सब देख लो ना। Choose one of these, whatever you touch. अम्मी, मेरा मूड नहीं है, मेरी बात समझो। Yeah, that sounds perfect for me. देखो इमी, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, ओके? कभी कभी तुम अफ्रीका के जंगलों में चले जाते हो, तो फिर कभी इक्वेडोर के विलेजेस में जहाँ पे पढ़ाने लगते हो। अब तुम्हारी अपनी पसंद की लड़की तुमने चुन ली है शादी करने के लिए, और आउटफिट्स नहीं चूज कर रहे हो। यू नो व्हाट सूफी, तुम क्यों नहीं चूज करते कपड़े अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए? आफ्टर ऑल, तुम दोनों को हमेशा सेम चीज पसंद आती है ना? दैट्स ट्रू, ही ऑलवेज लाइक्स व्हाट आई लव, राइट? चाची, काम करो ना कि इमी को ना खुद डिसाइड करे उसे क्या पहनना है, क्योंकि शायद ये आखिरी बार होगा वो डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि इसके बाद तो डिसीजंस भाभी जान लेंगी तुम्हारी। सूफी, क्या कर रहा है? What the hell, man? कल रात तूने होटल में बदतमीजी की, अभी यह तमाशा क्रिएट कर रहा है। सूफी, listen, I'm talking to you, मातसमी। वो क्या है ना, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं कोई भी तमाशा बीच में छोड़ दूँ। I like to choose the climax, bro. तू तो एक्सपेक्ट कर रहा है मैं तुझसे माफी मांगू फॉर यस्टरडे। आई एम नॉट गोना डू दैट बिकॉज़ यू क्रॉस्ड ऑल लाइंस ऑफ इंडीसीसी सुफियान। एक्सक्यूज मी, यू नो व्हाट, दुनिया सही कहती है, इश्क में ना इंसान अंधा हो जाता है। तेरी कायनात जिससे तेरी मंगनी होने वाली थी ना, पता कहाँ थी? इतने दिनों से मेरे बिस्तर में, मेरे साथ। मुझे लगा वो प्यार था, वो चीज बस करना बंद करेगा सुफियान। कायनात ऐसी लड़की नहीं है। लिसन मी, ओके, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ओवर, हमें कायनात से बात करने की जरूरत है। हम अंधेरे में एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। वी डोंट हैव टू डू दैट, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और मुझे एक बात बता, इफ द बोथ ऑफ यू लाइक ईच अदर, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तूने बताया? मैं कैसे बताता तुझे यार, मैं उसके साथ एक बार कॉफी पीने गया था यार, उसके बाद तूने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। और उसी वक्त मैंने भी तुझको पूछा था, ब्रो, डू यू लाइक हर, एंड व्हाट वाज योर आंसर? ब्रो, नो, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हर, राइट? क्या है इसमें सुफियान, हाउ एम आई एट फॉल्ट यार? द बोथ ऑफ यू हेट ईच अदर, मैन इन ऑफिस यू ऑल प्रिटेंड एज इफ यू ऑल हेट ईच अदर, नफरत करते हो यार। आई लाइक, आई डोंट नो व्हेदर शी लाइक्स मी नो, मैन। आस्क हर, उससे पूछ, we don't have to make तेरी सुनती है ना। We don't have to make this up. Oh, listen, man. कैनात, कल रात जो हुआ उसके लिए इम्तियाज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से जाओ। मैंने रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं भेजा था, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट, एंड And I really don't want to talk to your family, to you, to anyone about it. Please try to understand. Please leave. तो तुम ये कह रही हो that you never liked me? इम्तियाज, there is a difference between liking someone and loving someone. Please try to understand. These are two different terms. That means you love Sophie. Sophie loves you. मैं भी कितना silly और Stupid था, मैंने ये सोच लिया that you like me. मुझे सूफी से बात करनी चाहिए, there's a misunderstanding. तुम उससे कोई बात नहीं करोगे, तुम कोई misunderstanding clear नहीं करोगे. वो सुफियान है, अगर प्यार करेगा तो ऐसे कि जान दे दे, और जब गुस्से में आएगा तो ऐसे कि he has no control over his words. I detest him now. उसे कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे character पे question mark करे. And if you are still my friend, please stay out of this. I respect your decision. You are a really nice guy, Imtiaz. Any woman would be lucky to have you. Anyone but you. क्या कर रहा है?
क्या कर रहे हैं अपना? वसीम चाचा यहाँ क्या कर रहा है? इसको लेके जाओ यहाँ से। तुम्हें भूल पाना आसान नहीं है। You still in my head. You know that? चलो, आओ, चल मेरी जान जाती है। कायनात के बारे में तुझसे बात करनी है, चल मेरे साथ। चल मेरे साथ। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। आप सब प्लीज कुछ टाइम के लिए अंदर जा सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब जब कायनात के घर पे गए थे बात करने, आपने उनसे एग्जैक्टली क्या बात की? ये कैसा सवाल है अम्मी? नॉर्मल सवाल है अम्मी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब ने एग्जैक्टली क्या बात की थी कायनात के फैमिली के साथ। दैट्स इट। रिश्ते की बात करने गए थे। ऑफ कोर्स, तो वही तो किया हमने, पूछा उनसे कि हमें आपकी बेटी का हाथ चाहिए हमारी बेटी के लिए, एंड दे एग्रीड स्ट्रेट अवे। क्या उन्हें पता है कि वो रिश्ता अम्मी के लिए? ऑफ कोर्स सोफी, नहीं तो क्या एंडी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। राशिद आपा भी थी मेरे साथ, उनसे ही बात करवाई थी मैंने। हाँ सूफी बेटा, हम इम्तियाज का रिश्ता लेकर गए थे। सूफी, कोई गलत फहमी हुई? मेरी अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। अमित चलिए यार पार्टी करते हैं, क्योंकि मैंने जो मूवी बनाई थी ना वो आज ब्लॉकबस्टर हो गई है। तू पूछने में बहुत लेट हो गया यार, I'm not able to make it happen. क्या चूतिया बना रहा है? मेरे भी नजर प्लान्स कब से बदलने लगे? Anyways, जो भी है अभी के अभी कैंसिल कर, चल मेरे साथ। मैं कोई ट्रेजिक हीरोइन तो हूँ नहीं, एक लड़का मुझे छोड़ के चला जाएगा तो देवदास बन जाऊं। टू मोर प्लान क्यों कैंसिल किया? क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? हाँ बाहर आ रहा हूँ। अरे ये हामिद कहाँ जा रहा है? मैम कैसी लड़की है यार कायनात सानी। What's up बीबी? बीबी मैं मेरे फ्रेंड्स लक्ष्य में पार्टी कर रहे हैं, प्लीज कम एंड जॉइन अस बीबी। या बाय। कायनात के साथ मेरे रिवेंज ड्रामे का नया ट्विस्ट रिकॉर्ड करके भेज दिया बीबी को। You know what? लड़के ना बसेस की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं, सी? बट लड़कियां बस काम होती है। Stays with you always. Excuse me, Mr. and Mix extra happy hormones. ये एक public place है? ये cubicle मेरा है. Girl life. You rich and tighter. Ma'am, it's a free world. आप जा सकती हैं. You f***ing whore. तुम इतने दिनों से यही पता कर रही थी किसके पास ज्यादा पैसा है, फिर तुम decide करोगी तुम्हें शादी किससे करनी है. You are. ये उस रात के लिए. जुदाइयां वाला रब्बा खैर करी।
तुम उस घर के पगड़ से कभी नहीं मिलोगे। आप मुझे कॉल करने वाले थे। Really sorry, but हमारा मिलना लिखा था। That's for you, sir. After party in my place? Listen, she's my friend. तो अगर तुम्हारी friend है तो मेरी दोस्ती मिल सकती है। In fact, that didn't keep you away from my friend, right? You are disgusting. Trust me, मैं जितना भी घर जाऊँ ना, तुमसे disgusting नहीं हो सकता। ऋषिका, तुम इसे जानती नहीं हो, ये सब बास्टर्ड, चलो यहाँ से। चिल काई, हम सिर्फ कॉफी के लिए तो जा रहे हैं। पर तुम तो मेरी दोस्त हो। लास्ट मिनट हमारा प्लान क्यों डिले कर दिया यार? राहुल फोर्स कर रहा था एंड यू नो व्हाट, किसी को शक ना हो इसलिए आई हैड टू गो। वैसे भी दिस इज वेरी थ्रिलिंग। ये हर समय राहुल राहुल, व्हाट आर यू इन लव विद हिम और समथिंग? हां सॉरी यार। पुलिस, राहुल। ओह यार, यहां पर भी राहुल है। राहुल के खानदान को जानते इस वर्स देन पुलिस। अरे पूरी दुनिया में अलकाजीज और अब्दुल्लाज को सिर्फ सानीज ही मिले। एंड द वर्स्ट पार्ट, यू फकिंग डूइंग इट इन पब्लिक, गाड़ी के अंदर बैठे पार्किंग लॉट में। गेट अ फकिंग रूम मैन। यार राहिल, तुझे पता है ना कि होटल में दो लड़कों को रूम मिलना कितना मुश्किल है। मैं किस लिए हूं? मैं इज गेट अ रूम मैन। तेरा दोस्त सबसे बड़ा हरामी इसीलिए नहीं है। ये कार्ड तुझे कहां से मिला? वो आम खाना यार, तू गुठलियां भी गिनेगा क्या? लीव इट ऑन मी ना। Are you drunk? Yes. I'm an independent woman and I don't drown my tears in trouble. I drown them in Jaeger bomb. But tu bata meri spiritual guru, tu itni raat tak kyun jaag rahi hai? Boys problem? Come, join the club. Arre don't be udaas Falak. Sab ladke आर्शन, इनका ईगो लेवल हाईएस्ट, इनका इमोशनल क्वोशेंट जीरो, इनका इंटेलेक्ट जस्ट एवरेज। मुझे समझ नहीं आता लड़के पैदा ही क्यों होते हैं, स्पेशली दोस अलकाजी एंड अब्दुल्ला बॉयज। पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरे पास टाइम मशीन होती ना तो मैं उस लड़के के पापा के पास जाती और बोलती, अंकल प्लीज कॉम पहन लो, आपको नहीं पता आप किस एंगल को पैदा करने वाले हो। दी, आई एम प्रेग्नेंट। हाँ जगदी, प्रेग्नेंट। व्हाट? Thank you.
just lovely, Dana. Thank you, thank you. Charity really purifies the soul. You know, हमारे husbands की इतनी बड़ी companies है, so it's only natural that we should give back to. Oh, here's my handsome son, Imtiaz. He has the best of our genes. My good looks and Farooz's business sense. है ना बेटा? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है. In a minute, Imi. मैं actually इन सब को तुम्हारे engagement के बारे में बात करने वाली थी. You know, I have called off the wedding. What? हाँ, कोई निकाह, कोई शादी, कोई engagement नहीं होने वाली. And that's final. Imi, what? Sorry. तस्वीर तेरे नाम दी पड़या होर पड़ा मैं की तेरी इबादत कर दा मैं होर करा मैं की मेरे लई तू रब थोड़ा सा ड्रंक हूँ और अपसेट भी. इसका मतलब तुम उसे ऐसा मजाक करेगी, राइट? आई मीन तेरी वो योगा क्लासेस और क्या है वो तेरी चैंटिंग क्लासेस के अलावा तुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही कहाँ है? दीप, अगर हरली ने मुझे बोला होता ना, आई वुड हैव बिलीव्ड. दीप, ऐसा मजाक वो कर सकती है, पर तुम? दी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. दी 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 एक मिनट. दी 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 देखिए, दी मैंने तीनों बार टेस्ट भी किया थी और तीनों बार फर्स्ट. डोंट यू नो एज गर्ल, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट हैव, बट व्हाई नॉट प्रोटेक्शन? दी, इट वाज जस्ट अ मोमेंट दी, एंड इट जस्ट हैपेंड. अच्छा तो बैठ जा, बैठ जा. कौन कौन है, कौन वो लड़का? दी, वो लड़का किसी और से प्यार करता है. दी, व्हाट? आई मीन, व्हाट इज रॉन्ग विद योर जनरेशन? वो लड़का हरलीन से प्यार करता है. दी, व्हाट? दे आर हैविंग एन अफेयर. हैविंग एन अफेयर नाउ. दी, फलक, बच्चे मुझे तो बता है कौन वो. आई रियली डोंट हैव अ क्लू. फिर से शुरू. गुड लक. हाय हरलीन. गॉड राहिल, व्हाई यू डूइंग दिस? तुम्हारे तो वैसे भी 100 गर्लफ्रेंड्स हैं ना यार, एंड देन मेरी बहन फलक भी, सो व्हाई? हरलीन, आई डोंट नो यार, बट I really like you. देखो, कल मेरा बर्थडे है and I want you to be there. Please come and celebrate it with me. Why me यार? You already have Falak, right? And anyway, Falak is so... Falak सिर्फ एक जरिया थी अरलीन. I wanted to come close to you. It's about you and me now. मैं तुम्हारा वेट करूँगा. Please आना अरलीन. तेरा ये खेल अभी तक बंद नहीं हुआ. क्या कर रहा है? कल तेरा बर्थडे है ना, तूने इसको क्यों इनवाइट करा? और वी विल ब्रिंग इट विद अ बैंग ब्रो. आमिर, आई विल ब्रिंग माय बर्थडे विद अ बैंग. मैंने अपनी लिस्ट बना ली है. क्या बना रहा हूं? अगर मैं बना रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है? दोबारा अरे डबल चेक करना होता है कि नहीं? कुछ सबको एंगेजमेंट में बुलाने की जरूरत नहीं है. ये लो, तुम ऑमलेट तो लो. वो ठीक है, लेकिन शर्मा को एंगेजमेंट में नहीं बुलाना. मम्मी, आप आराम से नाश्ता कीजिए ना, ये सब चीजें हम देख लेंगे. मुझे लगता है मुझे अभी भी इसे बच्चों की तरह खिलाना पड़ेगा. क्या हुआ? इसे क्या हुआ? ठीक तो है? अरे डॉक्टर को फोन लगाओ. नहीं पापा, वो एक्चुअली मैंने परांठे में अजवाइन डाल दिया था, तो शायद उसी वजह से. शी हेट्स इट ना. मैं उसे देखती हूँ. मैं देखती हूँ क्या. श्योर? या ऑफ कोर्स. बेटा चेक कर ले एक बार. स्टेलिन कल सर. दैट्स वन बिग न्यूज़ सर. शुड वी गो अहेड विद दैट? कलेम सर, हम ये केस
ये स्टोरी को हम अप्रूव कर सकते हैं ना सर? लाइक यू गाइस कांट सी योरसेल्फ बिकॉज़ जॉन वाज राइट. गाइस मैं जानना चाहता हूं कि हम 9 o'clock न्यूज़ पर कौन सी खबर ब्रेक करने वाले हैं, बिकॉज़ बेसिकली आई डोंट वांट एनीथिंग कोइंसाइडिंग विद द वेबसाइट. मे बी उस स्टोरी को हम कल सुबह लीड दे सकते हैं. तूने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? क्या तूने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? मैं तुझे क्यों बताऊं? अभी आया था मैं अंदर पूछने, क्या न्यूज़ सुनानी है तू बता दे, फिर न्यूज़ सुना देता हूं. मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है एंड आई डोंट ओ यू एनी एक्सप्लेनेशन. बच गया तू. काम करो तुम लोग, चलो मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ. हेलो अरलीन, कहाँ यार? आई बीन वेटिंग फॉर योर कॉल. रियली? ऑब्वियसली यार, व्हाई वुड आई लाई? मैं घर पे हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू. ट्रस्ट मी अरलीन, तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी देख लूंगा ना, इट इज इनफ फॉर मी. बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई बर्थडे विद यू, प्लीज. ओके फाइन, पर मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आऊंगी. हाँ थैंक यू सो मच अरलीन. ओके जस्ट मीट मी सून. ओए यहाँ क्या कर रहा है? चल 12 बजे वाला है. अच्छा मैं घर जा रहा हूँ. क्या अभी? मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरा घर पे इंतजार कर रहा है. यू लाइक बर्थडे गिफ्ट्स स्पेशली प्रीटी गर्ल्स. बाय. आई न्यू इट कि तुम आओगी. कम. Happy birthday, Rahil. Thank you so much for coming. Rahil, are you even sure that you like me? Because you know, Falak is head over heels for you. Arlene, please believe me. Falak aur mere beech mein jo bhi tha, it was only to make you jealous, yaar. Mujhe usse koi matlab nahi hai. Main tumhare sar ki kasam kha ke keh raha hu, mera aur uska kuch nahi hai. I was only trying to make you jealous, man. Please, please believe me, yaar. Main tumhe kaise samjhau? I mean. मुझे देखो तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, सो मुझे ये करना पड़ा. इट्स हैड टू डू इट मैन, प्लीज ट्रस्ट मी प्लीज. आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. आई नो आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूँ यार? व्हाट डू आई डू, टेल मी. आई एम सॉरी राहुल, इट्स योर बर्थडे. आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दिस. आई एम सॉरी. He slept with her. D, he's not like that. I know him. D, you aisa nahi hai. You asshole. Tu dono ke saath khel khel raha hai na? It's disgusting. Tu aur tera bhai dono hi jaise bloody manipulators. Alag ki baat pe vishwas karo. You know how is she? Wo apni fantasy world mein rehti hai. D, come on. Tujhe ho kya gaya hai Harleen? Can't you bloody see it? Apni behan se zyada tu is pe vishwas kar rahi hai. This guy has made your younger sister pregnant. And he's pretty responsible for that. Yes. Right, तुमने. Please trust me. मैंने कुछ नहीं. I'm completely innocent. I did not do anything. Palak, please tell your sister. Please अपनी बहन को सुन. I swear I did not do anything. Harleen, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो. मैंने कुछ भी नहीं किया. I'm completely innocent. कहाँ है तेरा महान भाई सुफियान अब्दुल्ला? I want to talk to him right now. Thank you.
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहाँ हमारे बारे में बात नहीं करने आई हूँ। तुमने इम्तियाज से सगाई की तोड़ी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं यहाँ हमारे बारे में बात करने नहीं आई हूँ, ना तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। आई एम हियर ओनली फॉर पलक। पलक इज प्रेग्नेंट एंड योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। राहिल इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। क्या मतलब? तूने अम्मी की हालत देखी है ना? थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर है उन्हें। ब्लडी फलक, अभी अभी मेरी सगाई टूटी है। हम चाहकर भी उनको एक और सदमा नहीं दे सकते। वो अपनी बीमारी से लड़ रही हैं फलक। And I'm not asking you, I am telling you, please. ये फलक है, हरलीन और एक अनाथ है। देख राहिल, I love you and I genuinely do. जो कुछ भी हो साफ साफ बता। And you know that. और भी तरीके पता लगवाने के, रिपोर्ट के साथ टेस्ट करवा कर। तूने फलक को प्रेग्नेंट किया? बीबी मैं बच्चा नहीं हूँ बीबी। I've had my affairs, but फलक के साथ No, but राहिल, ये लड़की इस प्रॉब्लम में अकेली नहीं है। हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Listen, Falak. You get the best appointment, okay? Falak. Will you marry me? Falak, I don't think so. He's the right person that... I want to marry him. Good morning. Jalamdan Mubarak ko mere bachche. Happy birthday. Dates. I love dates. Especially when I spoil one. So, party nahi ho rahi kya? No party going on? Kya party? Rahil thodi apna Jalamdan humare saath manata hai. News flash. Rahil ki shaadi hone wali hai. राहिल की शादी होने वाली है मिस सानी के साथ। इतना चिंता मत कर, तेरी वाली सानी नहीं, फलक सानी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। व्हाट? सीरियसली? अब वो क्या है ना, फलक थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की है, उसको अबॉर्ट करवाना। सूफी, तो निकाह तो करना पड़ेगा। निकाह तो करना पड़ेगा, राइट भाई? अरे आप प्लीज बैठ जाइए, आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। वो क्या है ना, बारात में नाचना भी है, तो कैसे डांस करेंगे आप? प्लीज सिट डाउन, आई विल लीव विद माय डेट। ये हो क्या रहा है? मतलब अभी तुम्हें शादी नहीं करनी है और तुम्हें शादी करनी है? ये कोई एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है क्या इन दोनों घरों के बीच में? और तुम्हें उसी घर के किसी लड़के से शादी करनी है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा है मुझे? तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि अम्मी बीमार है, चलो एक दो शादी कर लेते हैं, अम्मी खुश हो जाएगी? अम्मी? नहीं काई, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, पर मैं ये देखना नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने लाइफ डिसीजंस इसलिए ले लो जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी। अम्मी, फलक और वो लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को। आप ऐसे ही ओवरथिंक कर रहे हैं, आप बैठिए। नहीं, आपकी नहीं काई, एक मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग काई। तू कोई डिसीजन लास्ट मिनट ले सकती है, लेकिन फलक को अचानक शादी करनी है? एक मिनट, हाउ लॉन्ग डू यू नो हिम? मुझे कुछ बताएगी भी? इस घर में हो क्या रहा है? हम उस घर में जाते हैं,
एक लड़की का रिश्ता लेकर वो दूसरी लड़की भेज देते हमारे यहाँ? I mean, what's wrong with you guys? Are you all mad? Calm down, यार. राहिल शादी करेगा उस स्थानीय लड़की से. मेरे पांच पांच इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स अपनी बेटियों की शादियां राहिल से करने की ख्वाहिश में थे. मैं क्या जवाब दूंगी उनको? अल्लाह. वो पांच इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स वही है ना, वो मारवाड़ी ट्रेडर्स जिसके पान बीड़ी का शॉप है. बेनजीर का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है एट टाइम्स. सबके सब हाँ कह चुके थे, लेकिन इससे शादी करनी है. इससे कौन है ये मलकसानी? क्या हासिल किया इसने लाइफ में? मेरे बेटे से शादी करना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा. जैसे आपने किया था कई साल पहले. आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है. मैं तो उस घर में आज भी इम्तियाज की शादी कर दूँ. इम्पोर्टेंट तो उसकी चॉइस है. ही लव्स हर. आई बिलीव माई सन. आई थिंक यू शुड टू. राहिल वो सब छोड़, मुझे बता तू क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? शादी पलक के साथ. क्यों तू शादी क्यों कर रहा है उससे? अरे हम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं. आपको पता है इस घर में हो क्या रहा है? एक भाई दूसरे भाई से बात तक नहीं कर रहा है. क्या किसी को पता है क्यों? क्या क्या चल क्या रहा है? ऑफिस में भी इम्तियाज और सूफिया दोनों की सहमति नहीं देखता किसी भी टॉपिक पे. राहिल तू अपनी बात करना. चाचू ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्ट्रेस मत लीजिए. एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. कुछ बड़ा नहीं हुआ है. राहिल तू बोल ना, तू क्या कर रहा है? मैं ही शादी करूंगा. बीबी मुझे उनके घर पे लेके गए थे और बीबी ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैं सबको कहना चाहता हूँ उसके पेट में मेरा बच्चा है एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि उस बच्चे को उसके बाप का नाम मिले. तो मैं ही शादी करूंगा फलक के साथ. राहिल तू शादी करेगा तो खुद अभी एक बच्चा है बेटे. तुम्हें पता था कि राहिल और उस लड़की के बीच में कुछ चक्कर चल रहा था? ये बेवकूफ बेनजीर का बेटा कितना स्मार्ट है. मेरी विल में इसके नाम पे कुछ न कुछ मैं जरूर छोड़ूंगी. He is just making my plans so much easier. एक जमाने में ये प्राइवेट जिम इन चारों भाइयों के लिए इस घर में सबसे फेवरेट स्पॉट था. It's where they discussed all their secrets. मगर अब देखो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है. Such a pity. तू क्या कर रहा है राहिल? अचानक से शादी करने का फैसला, what are you doing? राहिल, तुझे किसी को explanation देने की जरूरत नहीं है. मैं जानता हूँ तेरा मेरा झगड़ा चल रहा है सुफियान, लेकिन राहिल को बीच में क्यों लेके आ रहा है तू? You're right, बीबी. मुझे आपके अलावा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है. मेरा निकाह हो रहा है, जो खुश है वो आ सकता है. अदरवाइज दे कैन चेक इट. कायनात को ये बात पता है? ओ, मुझे कॉल किया था. मुझे कॉल नहीं किया, मुझे लगा वो सब कुछ तेरे साथ पहले शेयर कर दिया. सूफी इनफ. तूने जिस तरह रिएक्ट किया स्पेशली कायनात के साथ, यू स्क्रूड इट ऑल अप सुफियान. एवरीबॉडी आउट हियर इज नॉट हियर टू हर्ट यू. ये बात तू जितना जल्दी समझ ले तेरे लिए अच्छा है. बिफोर इट्स टू लेट. क्या हो बेबी? हामिद मेरी बात सुनना यार. डोंट इग्नोर मी लाइक दैट. हामिद मैं शादी कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू मैरी फलक, बट अब वो अपना प्रेगनेंसी का कार्ड खेल रही है. मैं क्या करूँ यार? चल ठीक है, मैं तेरे साथ. थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच. सूफी भाई, इस बार जो मैं खेल खेलूंगा ना, वो आपके और कायनात के बीच बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा. इस बार आप किसी की बात भी नहीं सुनोगे, इमी भाई की भी नहीं. मैं कोई भी सहानी गर्ल्स को हमारे घर में नहीं आने दूंगा.